हाई एवरी वन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आप सबके लिए। एंड आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ सेल्फ मेकअप, कि आप खुद से मेकअप कैसे कर सकते हैं। एंड अगर आप ब्राइडल हैं या फिर किसी का मेकअप करना चाहते हो और मेकअप आर्टिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप खुद से ही मेकअप कर सकते हो। तो वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ और इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि कैसे आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हो। तो चलिए, और आज की मैं आपको अपनी मॉडल दिखाती हूँ कि मेरी मॉडल कौन है। तो चलिए, ये है मेरी आज की मॉडल, आप लोग समझ चुके होंगे ये मेरी सिस्टर है। तो यह है आज की मॉडल, तो दिखाती हूँ मैं आपको इसका मेकअप कि कैसे करती हूँ। सो चलिए, और होप कि आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइज, आप देख सकते हो मैंने अपना जो ये सारा मेकअप का सामान है वो निकाल लिया है। इधर ये ज्वेलरी, ये सब कुछ हमने निकाल लिया है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं मेकअप, देर नहीं करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे फेस को क्लीन वाइप से, या आप फेस वॉश अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जो भी आपके फेस पे एक्स्ट्रा डर्ट होगी वो निकल जाएगी। तो आपको अच्छे से ये क्लीन करना है वाइप से, कोई भी वाइप्स आप यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, तो अच्छे से आपको ये क्लीन करना है। तो चलो और नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं लगा रही हूँ जॉय की सनस्क्रीन यूवी प्रोटेक्ट एंड ब्राइटनिंग लोशन। ये मॉइस्चराइजिंग भी है एंड सनस्क्रीन भी है, ये इसमें दोनों चीज है। तो मैं लगाऊंगी ये वाला सनस्क्रीन विद मॉइस्चराइजर, ये लगाना है आपको, और ये मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन दोनों हैं। आप देख सकते हो गाइस कि कितना सॉफ्ट है ये, इसको एक बार आप यूज करके जरूर देखना। मुझे पर्सनली ये सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइस, सनस्क्रीन मैंने फेस पर अप्लाई कर दिए और अब मैं फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। इसमें ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, पोर्स मॉडिफाई करता है, एंड ये मॉइस्चराइजर और नरिशिंग करता है हमारे फेस को। और इसमें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा मेकअप है, और मैं आप इसको लूंगी फेस पर ही लेते हैं हम। बस इतना ही हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और अब आपको इसको अच्छे से फेस पर अप्लाई करना है। इसमें आपको किसी ब्रश और ब्लेंडर की जरूरत नहीं है, आपको इसको अच्छे से करना है। एंड ये हाइलाइटिंग प्राइमर है तो आपके फेस को हाइलाइट भी करता है, जो जो आपके हाइलाइट जो एरिया है जहाँ पे आप हाइलाइट करते हो अपने फेस को। और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइज, आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस प्राइमर, एंड बहुत ही अच्छा ये प्राइमर है। देख सकते हो आप फेस को कितना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है इसने हमारे फेस को, कितना चमक रहा है हमारा फेस। आपको पीछे आवाज आ रही होगी आयु की, आप देख सकते हो कितना प्यारा मेकअप, सॉरी कितना अच्छा ये मेकअप है। एंड आप मेरे इस हैंड पर भी देख सकते हो कितना ज्यादा चमक रहा है, देखो। एंड गाइज, हमने अपने फेस पे प्राइमर लगा दिया है, एंड अब हम करेंगे कलर करेक्टिंग। कलर करेक्टिंग करने के लिए हम करेंगे ये है इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट, और इसमें कंसीलर करेक्ट और कॉन्टोर, ये कलर करेक्टर इसमें। तो इसमें ये काफी सारे शेड हैं ये, तो जो हमारे डार्क एरिया है वहां पे हमें ऑरेंज कैरेक्टर का यूज करना है, तो अब हम करते हैं ऑरेंज कैरेक्टर का यूज।
ब्लेंड गाइस, अब आपको ये ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग आप जितनी अच्छी करोगे मेकअप तो आपको उतना अच्छा होना ही है। तो गाइस हमेशा याद रखना कि जब भी आप जो हमने कलर लगाया है और अपने डार्क एरिया में जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो अपनी जो आईज होती है उनको ऊपर की तरफ रखना चाहिए। इससे जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारी नीचे क्रीज नहीं बनती और बहुत ही अच्छे से ये जो कलर है वो सेट हो जाता है। आईज को हमेशा ऊपर की तरफ रख के तब हमें अपने एरिया में ब्लेंडिंग करनी चाहिए। और हमेशा आपको बताती हूँ कि ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी ना मेकअप आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और ग्लोइंग लगेगा। एंड कलर करेक्टिंग गाइज हमने कर दी है और अब हम करेंगे फेस पर, अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप प्राइमर में हाइलाइटर को मिक्स करके लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लुक आएगा। तो मैं कर रही हूँ फिलहाल ऐसे ही। तो गाइज़ अब हम कर रहे हैं आईज़ मेकअप। एंड गाइज़ ये मेरी छोटी सी कोशिश है, मैं फ़र्स्ट टाइम ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं किया है। मैंने कुछ
कुछ कुछ सीखा है जो भी, वो सब आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड बस मैं ट्राई करती हूँ गाइस कि मैं अच्छे से मेकअप कर पाऊँ, और वही कोशिश करती हूँ और आप सबके साथ में यही छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे हमने आईज मेकअप किया है एंड बहुत ही नॉर्मल रखा है, एंड उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे शिमर लगाया है, एंड शिमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने थोड़ा ब्राउन है, ब्राउन शिमर जो आईज पे मैंने लगाया है, और इसे लगाने के बाद ना आईज बहुत प्यारी लग रही थी। एंड गाइज आपको ये मेकअप कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ ज़रूर बताना कि ब्राइडल मेकअप कैसा लगा। एंड कोशिश की है गाइज मैंने, यही छोटा सा मेकअप है एंड ट्राई कर सकती हूँ बस मैं हर चीज़, और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और अब मैंने लगाया है आईलाइनर एंड मस्कारा और आईलैशेस लगाई है। एंड गाइज जब भी आप मेकअप करते हैं तो अपने फेस पे जब मेकअप करते हैं तो अपने नेक पर ज़रूर लगाएं। आप देख सकते हो मैंने नेक पर भी किया है, और नेक पर जब मैंने फाउंडेशन लगाया तो मैंने उसमें स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर मैंने इसमें मिक्स करके फाउंडेशन में तभी उसको अप्लाई किया है। आप चाहे तो फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड मैंने सिर्फ नेक पर किया है। और अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, एंड कॉन्टोरिंग मैं मोस्टली करती नहीं हूँ, बट आज जैसे हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो इसमें ज़रूरी होता है कॉन्टोरिंग करना, तो मैं वही कर रही हूँ। एंड पहले मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया, फिर मैंने ब्रश की हेल्प से किया है, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ब्यूटी ब्लेंडर से किया है क्योंकि मुझे सही लगा ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड आपको ब्रश से सही लगता है ब्लेंड करना तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करेंगे तब भी बहुत ही अच्छे से जो आप कॉन्टोरिंग करते हो बहुत अच्छे से होगी। एंड उसके बाद फिर मैं ब्लश लगा रही हूँ, एंड ब्लश मैं ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि हमें ज़्यादा ब्रश पसंद नहीं है, बस हल्का हल्का लाइट सा ब्रश सॉरी ब्लश हमने लगाया है। और उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ आईलैशेस मैंने एक तरफ सूखने के लिए रख दी थी पहले ही, तो वही मैं लगा रही हूँ। और आईलैशेस मुझे लगानी नहीं आती थी बट अब मैं सीख रही हूँ लगाना, धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख रही हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस बताना कि आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगता है, मेरे मेकअप वीडियोस और ये सब मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। एंड अगर आप जितने लोग आप देखते हो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, जिसने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। एंड अब मैं कर रही हूँ आईब्रो, और आईब्रो मैं बताती हूँ आपको जिस पे आईब्रोज नहीं आती है करनी वो क्या करेगा, जो हमारे पास आईब्रो पेंसिल होती है उससे पहले आप अपनी आईब्रोज को सही से सेट कर लेंगे एंड मस्कारा की हेल्प से अपने ब्रश पे लगाकर और उसको अच्छे से लगाएंगे तो आपकी जो आईब्रो है वो बहुत अच्छा लुक देगी और ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेगा एंड बिल्कुल रियल लगेगी एंड बहुत सुंदर लगेगी ये। और अब हम लगा रहे हैं हाइलाइटर, और हाइलाइटर तो बहुत ही अच्छा लगता है, हाइलाइटर लगने के बाद फेस अलग से चमकने लगता है, चमचम हो जाता है, बहुत प्यारा लुक लगता है। एंड तो देखो गाइस कैसा लग रहा है।
सो गाइज ये रहा फाइनल लुक और कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताना, और हेयर स्टाइल एंड मेकअप ये ज्वेलरी ये सब कुछ कैसी लग रही है। एंड मैंने गाइज कोशिश की है कि अच्छा करूं, पर जितना हो पाया उतना ही किया है एंड